हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिनरी ब्लॉग्स पे। और आज बहुत ही दिनों बाद ये व्लॉग बन रहा है क्योंकि हम थोड़ा बिजी थे, और मेरे आज के गेटअप से जो जर्मनी से मुझे देख रहे हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और जिन्हें नहीं पता है तो अभी हम आगे कहीं जाने वाले हैं, कोलोन जा रहे हैं बेसिकली। और फिर मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी कि हम यहाँ पर ऐसा ड्रेसअप क्यों करके आए हैं आज। और इंडिया वालों को लग रहा होगा कि ये ऐसे ही बनकर कहाँ जा रही है, ये तो मतलब यमराज जी लग रही है। मेरे सीन निकले हुए आज, तो चलो देखते हैं। वैसे तो आज संडे है और यूजुअली हम आजकल संडे को घर पे ही रहते हैं, बट आज बहुत ही दिनों बाद निकले हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने जा रहे हैं। और मैं वैसे काफी एक्साइटेड हूँ, आज कुछ स्पेशल डे भी है यहाँ जर्मनी में। और आप रोड भी देख सकते हैं, बिल्कुल खाली हो रखी है, सन्नाटा है क्योंकि आज संडे है, तो संडे को रूट आग बोलते हैं और यहाँ पे संडे को सब कुछ बंद होता है, मतलब ऑल टोटल सब कुछ। और रूट आग मतलब होता है शांति दिवस, तो शांति दिवस मतलब यहाँ पर ओनली रिलीजियस बेस्ड काइंड ऑफ, मेरे को लगता है थोड़ा रिलीजियस बैकग्राउंड ही है इस दिन का, क्योंकि संडे को केवल चर्चेस लोग बहुत ज्यादा विजिट करते हैं तो बाकी नॉर्मल कमर्शियल चीजें बंद रहती हैं। बट हाँ, रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं अगर हमें कुछ बाहर खाना है तो। ये मैं इसलिए याद दिला रही हूँ विकास को कि बाहर आज खिला देना कुछ मुझे। खिला देना तो ये ऐसे कह रही जैसे कि ये मेरी परमिशन के बगैर खाती नहीं है। हाँ, मुझे परमिशन नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आप हाँ कहोगे तो ठीक है ना, क्योंकि फिर एक डिश आप हाँ कहोगे तो आप, मैं दो तीन डिश मंगाऊंगी और आधे से ज्यादा आप ही खाओगे, भाई ऐसा नहीं होगा। विकास ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मैं पहले पहले जर्मनी आई थी यहाँ पे तो मतलब मुझसे ना ज्यादा खाया नहीं जाता है, तो और मेरे को ना डिश मंगाने का बहुत शौक है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिश मंगा देती थी और फिर उसके बाद खा ही नहीं पाती थी। और एक बार ऐसे ही विकास ने मुझे डांटा भी था कि इतना मंगा तो देती हो पर खा नहीं पाती हो, तो उसके बाद दूसरी बार मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि बात तो सही है, तो मैंने जबरदस्ती खाने की कोशिश करी कि पूरा ही खा लेती हूँ आज, और उसके बाद सीधे वॉशरूम की तरफ भागी और वहाँ सारी वॉमिटिंग कर दी क्योंकि वो हैंडल नहीं हो पाया मुझसे। मतलब मैं आपको बता दूँ वो रेस्टोरेंट कौन सा था, आप जाकर पक्का बताना उन लोगों को। कौन सा रेस्टोरेंट था? गिनती था कोलोन का, और गिनती इंडियन रेस्टोरेंट है, काफी फेमस है। अगर आप कोलोन के अराउंड है तो आप पक्का गिनती जाएं। तो मतलब मैडम ने क्या किया, आधे घंटे तक बाहर ही नहीं आई और मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ चलेगी। मैं जब उठने ही वाला था तो वापस आई, कहती मैंने तो सब निकाल दिया। एंड मतलब मेरा फिर मैंने कहा, मैंने कहा अब तो निकलो, पता नहीं तुम साफ भी करके आई हो नहीं आई हो। साफ करके आई थी मैं, बट अब आई थिंक कहीं ना कहीं सिमरन थोड़ा ऐसा करती है, उसको समझ आ गया है कि उसको कितना खाना है क्या खाना है। और मेरे को भी खाने का शौक है, लेकिन मुझे ऐसा होता है कि हाँ आज के लिए इतना, बिकॉज मुझे पता है कि मैं तो ले लूंगा, बट इसका मुझे कंफ्यूजन ही रहता है क्योंकि इसका पेट इतना सा है। अच्छा, तो उसमें पता नहीं क्या ही आएगा, बताओ। पर खाने का बहुत शौक है, दोनों को ही काफी शौक है हमें खाने का, बट मैं पक्के वाला शौकीन हूँ और ये लगता है थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, बिल्कुल ये थोड़ा नहीं छोड़ेंगे पेट में। ये थोड़ा दिखाने वाली शौकीन है, मतलब इसको है दिखाने वाली नहीं हूँ, मतलब मेरा ये होता है कि मेरे को टेस्ट करने का लगा रहता है कि ये भी टेस्ट कर लो वो भी टेस्ट। तो ये ऐसा समझ लो कि कली टेस्ट वाली जो कामिया जानी शायद नाम है उनका, आई थिंक ये उसकी तरह ही है कि सब जगह सब चीज देख ली, टेस्ट किया, वाओ इट्स रियली नाइस, एंड देन उसके बाद पता नहीं कौन ही पीछे वाली प्लेट्स खाता है। शायद मेरे जैसा ही होता होगा कोई, लगा रहता होगा कि भाई आए तुम्हारी बारी, आगे खाओ पेलो। चलो अभी ड्राइविंग पे ध्यान देते हैं। ये देखिए जर्मनी की राइन रिवर, तो फाइनली हम कोलोन में एंटर कर गए। मुझे थोड़ा सा टर्न लेना पड़ेगा आगे से, राइन रिवर के ऊपर से हम लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं मुझे गाड़ी चलाते हुए। तो ये पेड़ देखिए, सारे पत्ते तो झड़ चुके हैं इसके, कैसे लग रहे हैं ना यार ये, नंगे पेड़ खड़े हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। अभी यहाँ पे मौसम थोड़ा बेटर हो गया है ना, तो अभी 9-10 डिग्री हो गया है, तो अगर नीचे दो लेयर ना भी पहनो तो चल जाएगा काम, वैसे ही आए हम भी आज। पर अभी भी काफी ठंडा है और इंडिया में तो ऑलरेडी गर्मी स्टार्ट हो गई है, फेब से गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम आ गए हैं कोलोन के कार्निवल में, तो यही हम आपको बताने वाले थे। तो जो कोलोन कार्निवल है वो ऑलमोस्ट काफी पुराना फेस्टिवल है, जो मेजर इसका स्टार्ट हुआ था, जो मॉडर्न फॉर्म में अभी 1823 में स्टार्ट हुआ था,
आप देख सकते हैं हमारे आसपास काफी लोग ड्रेसअप होके आ रखे हैं। तो आज संडे है एक्चुअली, कल जो है मेन है वो रोजन मोन्टाग बोलते हैं उसको, कल मंडे है और तो कल जो होगा वो मेन होगा, उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को भी है यहाँ पर इवेंट्स, बट जो मेन इवेंट होता है वो मंडे को होता है, जहाँ पर अलग अलग लोग डिफरेंट परेड्स करते हैं और अपने कल्चर बेसिकली लोग आज अपने कल्चर से क्लोज होने के लिए, पर मुझे लगता है ये मोर ओवर दारू दुरू पीने वाला इवेंट हो गया है क्योंकि यहाँ बहुत गंदा कर रखा है लोगों ने। और मैंने अपना जो विकास ने मुझे दो सींग बनाए थे मैंने तो उतार दिए क्योंकि कार्निवल का बोल के मुझे हेलोवीन का बना दिया गया था, मैंने तो उतार दिया वो। जी वैसे नॉर्मली कल्चरल इवेंट है, काफी लोग अलग अलग चीजें बन के आए हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं और आपको सारा ड्रेसअप दिखाते हैं कि लोग कैसे कैसे आज ड्रेसअप होकर रखे हैं, कौन से हमें डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स दिखेंगे अभी यहाँ पे। तो फिर चलो आगे चलते हैं और अगर कोई अदर इन्फो होगी जो मैं अभी देना भूल गए हम लोग तो उसको मैं आगे फर्दर वीडियो में ऐड कर दूंगी। सो ये जो कोलोन कार्निवल है ये काफ़ी टाइम पहले से चला आ रहा है, जैसे कि विकास ने भी बताया 1823 मतलब कह सकते हैं मेडिवल टाइम से चला आ रहा है ये। सो ये जो कार्निवल है ये बेसिकली 11 नवंबर को स्टार्ट होता है और 11:11 पे ही ये स्टार्ट होता है ऑफिशियली, और ये काफ़ी मंथ्स चलता है, लगभग फरवरी के एंड में आते आते ये ख़त्म होने लगता है जब एक रोजे मोन्टाग आता है दिन, उसमें मोस्टली ये इसको क्लाइमेक्स कहते हैं इस कार्निवल का। और जब ये कार्निवल होता है तो स्ट्रीट में काफ़ी सारी पार्टीज़ परफॉर्मेंसेस और बहुत ही ज़्यादा परेड्स वगैरह होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है। इस वजह से ये जो कार्निवल है इसे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग देखने आते हैं कोलोन में, एंड इसकी वजह से टूरिज्म भी बूस्ट होता है जर्मनी का। कोलोन कार्निवल बेसिकली एक सेलिब्रेशन है जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी और यूनिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि सिर्फ यंग जनरेशन इसमें पार्टिसिपेट करती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने ऐसे भी लोग देखे जो मतलब ओल्ड एज थे बट उन्होंने भी अच्छा अपने आप को गेटअप दे रखा था और इसमें बहुत ही अच्छे से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखिए दो हरे लोग। हाँ ये क्या बने हैं सामने, दो हरे लोग हैं, ये शायद सिपाही बने हैं, सीनियर सिटीजन से पीछे नहीं है वो भी, कुछ ना कुछ बने ही हैं। और कई जगह मुझे इंडियंस लोग भी दिख रहे हैं, काफी कुछ बन रहे हुए हैं। और विकास सर मैं सोच रहा कि इन्हें ठंडा नहीं लग रहा है क्या, क्योंकि टेम्परेचर तो काफी डाउन है। तो अभी हो गई है शाम और बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई है घूम घूम के, तो अभी हम आ गए हैं सरवाना भवन, ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और काफ़ी फेमस है यहाँ पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। तो अभी हम आ गए हैं सरवाना भवन, भटूरे में एक ही भटूरा है और छोले तो पता नहीं कैसे। एंड हमारी फिल्टर कॉफी यहाँ पे आ गई है, पिए पिएंगे। तो खाने के बाद ये फ़िल्टर कॉफ़ी पीना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसके बाद अब बस हम घर ही निकलेंगे। एक्चुअली जर्मनी में जब आप घूमते हैं तो आपको कार पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है, उसके बाद हमें पूरा वॉक करना पड़ता है, तो काफ़ी वॉक हो गया हमारा आज। और ये बहुत ही सुंदर व्यू है, राइन रिवर दिख रही है पीछे। एंड अभी हम वापस कार के पास ही जा रहे हैं, खाना पीना भी सब हो गया है सरवाना भवन में, काफ़ी कुछ खा लिया हमने। और अपना आज का हम व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आपको अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे एंड फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल सिमिक व्लॉग्स। और अब हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, टिल देन बाय।